नमस्कार, द नगरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका माथुर। विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन कांग्रेस के एक प्रत्याशी ने सबकी निगाहें अपनी ओर खींच ली हैं। यहां तक कि चुनाव आयोग की निगाहें भी उनकी ओर चली गई हैं। दौसा के महवा रिटर्निंग अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट महवा लाखन सिंह गुर्जर ने विधानसभा क्षेत्र महवा से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी ओम प्रकाश हुडला को आचार संहिता के उल्लंघन किए जाने के संबंध में शनिवार को नोटिस जारी कर 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा है। रिटर्निंग अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट महवा लाखन सिंह गुर्जर ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2023 की आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। इसके बावजूद भी महवा विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी एवं वर्तमान विधायक ओम प्रकाश हुडला द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नगद रुपए कलश में डालते हुए फोटो एवं वीडियो पोस्ट की गई, जो कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 171B के उल्लंघन में पाया गया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये फोटो और वीडियो वायरल हो गया है। रिटर्निंग अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट महुआ लाखन सिंह गुर्जर ने बताया कि इसके संबंध में वर्तमान विधायक एवं महवा विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी ओम प्रकाश हुडला को नोटिस जारी किया गया है। उनसे 24 घंटे में व्यक्तिगत उपस्थित होकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। यदि वे अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करते हैं या संतोषप्रद जवाब नहीं देते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।